सर शुरू मैंने किया था 2004-5 के आसपास, पर तब सिर्फ बाय एंड सेल करती थी, और वो भी इंस्ट्रक्शंस पे मेरे हस्बैंड के। और फिर अभी 2008 के बाद जब मार्केट क्रैश हुई तो मैंने बंद कर दिया, और फिर अभी फिर से स्टार्ट किया 2023 जनवरी में, तो अच्छा चल रहा है मेरा। तो अब हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलते, नहीं, उनका अलग पोर्टफोलियो है, मेरा आप इसलिए अलग। कहना चाहते हो अच्छा चल रहा है 2023 से जब से वापस जुड़े हो? हाँ, अब 2023 से जब से स्टार्ट किया मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि हस्बैंड की अब नहीं सुन रहे? हाँ, नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा ध्यान देके काम कर रही हूँ, अपने डिसीजंस ले रही हूँ, और पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, जवाब नहीं दे रहे हो क्लियर कट। पर ठीक है, अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। गीतांजलि मैम, पहला सवाल आज शर्मिल के लिए कौन सा? सर मैंने पहले, बहुत पहले 2005-6 के आसपास में वाइसराय होटेल्स लिमिटेड लिया था, 100 शेयर्स लिए थे, 110.93 के प्राइस पे। तो इसमें अब वापस से, ये पहले तो बिल्कुल ही स्टॉक खत्म, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल ट्रू लास्ट ट्रू। में था ये, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं था इसमें। अब ये एकदम, इसमें वॉलेटिलिटी आई है और एकदम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे इसके रिलेटिव कुछ पूछना है आपसे। इस अब मुझे बहुत ज्यादा ट्रैक तो मैंने भी नहीं करा था, आपने सही कहा, एक जमाने में चर्चा होती थी। इसका कोई रेजोल्यूशन प्लान आया था, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद जब भी वापस आया है तो एकदम से बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए, और हाँ, और रेजोल्यूशन एक प्लान की बहुत, तो बारीकियां तो मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे हो, सॉरी आप। 1000% एकदम अप हुआ था ये 2-3 दिन पहले, हाँ, और तो अब रेजोल्यूशन इसमें प्लान काफी इंप्लीमेंट अच्छा। हुआ इसका, उसके बाद इसका हाँ ट्रेड में ऐसा घूमने लगा, तो अभी तो मोमेंटम स्ट्रांग है। आई डाउट शर्मला के पास इसके फंडामेंटल्स होंगे हैंडी, लेकिन अब तो मोमेंटम आ रहा है, अब लॉजिकली तो शर्मला अब तो बैठे रहना चाहिए जब तक है। अब बिल्कुल, और अगर इस तरह की कोई बात है तो, और वो रेजोल्यूशन प्ले आउट हो रहा है तो वो देखना चाहिए, क्योंकि नंबर्स में अभी तक ये कोई इतनी क्लैरिटी हाँ नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर इस तरह की इज अ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, देन वेट फॉर इट टू प्ले आउट। हाँ चलिए, अच्छा मैं लौटूंगा अगली क्वेरी के लिए, लखनऊ जा रहा हूं। नेहा कटिहार जी स्क्रीन पे। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, नेहा मैम आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए, और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो आप, खुद ही चूज कर रहे हो क्या आपने? गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे लास्ट मंथ से ही, मार्च से ही स्टार्ट किया मैंने। लास्ट मंथ से क्यों शुरू करा, पहले से इंटरेस्ट था या किसी के कहने पे, कैसे हुआ ये शुरुआत? हस्बैंड सर इसमें करते हैं ना, इसलिए मेरा भी मन हो गया। फ्रेंड करते हैं इसलिए मन हो गया। अच्छा हस्बैंड हस्बैंड तो, अच्छा हस्बैंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो अच्छा तो हस्बैंड का अलग है, आपका अलग अकाउंट है, दोनों अलग अपना अपना करते हैं? जी, इसी में पिछले महीने बनाया मैंने अपना। आप कैसे डिसाइड कर रहे हो स्टॉक, हस्बैंड गाइड कर रहे हैं कि आपने खुद से ही चुनते हो? खुद से करते हैं सर। और कैसा गया एक महीना, बढ़िया जा रहा है? अच्छा। कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो, कैसे चुन रहे हो? CNBC देख के और इसमें देख के। तो मतलब CNBC पे किसी ने अपना पिक दिया तो आपने वो खरीद लिया, अगर आपको अच्छा लगा सुनने में? अभी तक जो खरीदे मैंने अपने मन से ऐसे ही खरीदे हैं, अभी लास्ट के 3-4 दिनों से CNBC देख रहे हैं। लो मतलब कि CNBC से फोन गया तब से देखना शुरू करा आपने, उससे पहले नहीं देखते थे ऐसा क्या? उससे पहले देख रहे थे, तभी तो रिक्वेस्ट डाली थी ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तो ऐसे टटोल रहा था। नया मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है बॉयकॉन लिमिटेड का, मेरे पास 200 शेयर हैं 286 के प्राइस पे। और ये नया मैम अपन ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है या किस लॉजिक से लिया है? ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था कि मुनाफा होगा निकल लूंगी? सर ऐसे मुनाफा होने से और हुआ नहीं, नीचे आ गया 10-20 रुपए, है ना? जी। तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का मन था। लेकिन बायोकॉन कैसी है, कैसी कंपनी शर्मिला? इसमें बैठूं तो गेनफुल एग्जिट, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा या नहीं? मेरी खरीद है 286 की, चल रहा है 272 पे। मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये जिन कारोबार में ये कंपनी है और जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं और उनका जो अप्रोच है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर, बायोसिमिलर्स और वो सब चीजों को लेकर, तो वो अपने में भी एक यूनिक है, और उस वजह से थोड़े बहुत उनके रिजल्ट्स पैची रहते हैं, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन नेट नेट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा 1-1.5 साल इसमें बने रहेंगे तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे फर्स्ट टारगेट्स करीबन 340-350 के रहेंगे,
तो उनको ध्यान में रखकर आप बने रहिए, बट एज आई सेड आपको 1-1.5 साल बने रहना पड़ेगा। अब लंबा बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, तब कमा के देगा ये स्टॉक कंपनी, बुरी नहीं है, पर ये तरीका गलत है, ऐसे ही लगा तो खरीद लिया। अगर वैसे सीएनबीसी आवाज के गेस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वैसे हम लोग बहुत क्यूरेटेड, बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं चैनल पे, पर वो फिर जब कहते हैं वैसे ही फॉलो करना है। अगर ट्रेडिंग करी थी किसी के कहने पे बायोकॉन लिया था तो उन्होंने पक्का स्टॉप लॉस दिया होगा ट्रेडिंग के लिए, सर, तो टू द टी फॉलो करना है, स्टॉप लॉस भी लगाना है अपने को। सॉरी आप कुछ कह रहे हो, बायोकॉन सीएनबीसी ने बताया था तभी खरीदा था, स्टॉप लॉस नहीं बताया था क्या? बताया होगा सर, होगा नहीं, जब आपने भाव लिखा, कंपनी लिखी, तो आपको स्टॉप लॉस भी साथ में लिखना और फॉलो करना है मैम, वो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। एक्सपर्ट्स को फॉलो करना गलत नहीं है, अच्छा आइडिया है, पर वो जो पूरी बात कहें उस पूरी बात को प्लीज फॉलो करना। पद्मजा मैम अगला सवाल।